तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम फॉर्मूला की अगली कैटेगरी जो कि टेक्स्ट फॉर्मूला की कैटेगरी है इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे साथ रुपिंदर जी है, आशीष जी है और अभी प्रकाश जी है। बैच कंप्लीट है हमारा। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला पे। इसके पहले हमने आपके साथ लॉजिकल फॉर्मूला मतलब इफ के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले। ठीक है, इफ फॉर्मूले में जैसे कि रुपिंदर जी का कहना है कि उन्हें इफ एरर समझ में नहीं आया, तो मैं इफ एरर आपको समझाऊंगा आगे, चिंता मत। एक अच्छा सा एग्जांपल जिसपे आप समझ सके वो मैं देख के आपको समझा दूंगा। अब इसमें हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला में। टेक्स्ट फॉर्मूला मतलब कि जो हम एबीसीडी जो भी अल्फाबेटिक लिखते हैं उसके ऊपर किस तरह की चीजें हो सकती है, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला कहलाता है। तो हम कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बैटेक्स को देखिए। हालांकि बैटेक्स इंडिया में यूज नहीं होता है ना यूएसए में यूज होता है। बैटेक्स का यूज होता है थाईलैंड में। क्यों होता है पता नहीं। कि जैसे हम नंबर को देते हैं इसमें, तो इसने क्या करता है कि नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करके देता है, लेकिन अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेटर पे जाके ट्रांसलेट करके देखें तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं। मैं भी कुछ दिन पहले कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट किया तब मुझे समझ में आया कि आखिर करता क्या है। ट्रांसलेटर कहाँ चला गया? कौन सा लैंग्वेज हो रखा है? पंजाबी सर, आपको तो पंजाबी सिलेक्ट हुआ। तो पंजाबी कैसे पता चलेगा सर? अरे सर इसमें जाओ ना नीचे, क्या नाम है जहाँ पे लैंग्वेज चेंज करो ना ट्रांसलेट के लिए। अच्छा हाँ 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 जैसे मैंने इसको डायरेक्ट लैंग्वेज पे कर देता हूँ। अब मैंने इसको क्लिक किया ना, देख अब लैंग्वेज का फाइल सिलेक्ट हुआ ना। तो देखिए 123 बात। देखिए इंडिया में इसका यूज नहीं, ऐसे यूज नहीं क्योंकि हम लोग ये लैंग्वेज यूज नहीं करते। और एक्चुअल में ऐसा क्यों रहा इसके बारे में मुझे रिसर्च किया लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका हम आगे बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कैर। कैर एंड कोड दो फॉर्मूला है इसके बारे में जानिए। स्काई वैल्यू जानते हैं आप सर? नहीं सर। देखिए क्या होता है कि हर एक नंबर को एक कोड में कन्वर्ट कर रखा है एक्सेल को समझने के लिए, ताकि वो बड़े छोटे का फर्क समझ सके। कैपिटल ए का स्काई वैल्यू 65 है और स्मॉल लेटर का 97। तो स्काई टेबल है एक है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे होता है, बाइनरी होता है, हेक्सा होता है, डेसिमल होता है, ये हमारे लैंग्वेज सिस्टम है। उसी में हमारे पास स्काई टेबल होता है जो कि अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करता है, इसको कोड एक समझ। तो कोड फॉर्मूला की कोड को आप देख सकते हो और कैर फॉर्मूला से आप वापस उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम करेंगे क्या इसको जानकर, हमारे ऑफिशियल यूज से तो कोई है नहीं क्योंकि हम कोई प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर माइक्रो प्रोग्रामिंग कर तो नहीं रहे हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे क्या। तो हम जो है इसके बारे में अभी बस 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ और फॉर्मूले के बारे में जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं सुजीत स्पेशली, हमारे पास फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे सुजीत लिखा एक फालतू स्पेस दुनिया, या मैं और बहुत सारा लिखे कुमार लिखता हूँ। ठीक है, सुजीत एंड सुजीत कुमार।
इक्वल टू मैं यहाँ पे ट्रिम दिया, इसको सिलेक्ट किया। ये क्या करता है, अनवांटेड ट्रिम का मतलब ये नहीं है कि स्पेस को रिमूव करता है, वो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सुजीत कुमार के बीच में कितने सारे स्पेसेस थे, उसको रिमूव करके सिर्फ एक स्पेस दिया। और यहाँ सुजीत में आप जैसे कि हुआ एक फालतू स्पेस है, उसने स्पेस रिमूव कर दिया, तो कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन। लेन क्या करता है, लेंथ ऑफ सेल, किसी सेल का लेंथ बताता है कि कितने डिजिट या कितने कैरेक्टर। तो आपके सामने देखिए इसका लेंथ आपको शो किया, ठीक है? तो लेंथ आ रहा है 6। लेकिन इसमें तो सेबल होगा, अब इसमें लगाएंगे हम। तो ट्रिम समझ में क्या किया, ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर। लेकिन हमें आपको याद होगा कि होम टैब जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको रैप टेक्स्ट पढ़ाया कि मैं यहाँ पे सुजीत लिखा और ऑल्ट एंटर प्रेस करके कर्सर नीचे ले आया और फिर इसमें हमने कुमार दे। अगर इसको हम यहाँ ट्रिम करते हैं तो आप देखेंगे कि सुजीत कुमार दिख रहा है, जब लेकिन इसकी लेंथ को आप काउंट करेंगे तो 12 दिख रहा है, लेकिन मैनुअली हम काउंट करें तो 11 ही आ रहा है। मतलब कि टी और ए के बीच में नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। सर ये चीज समझ नहीं रही, ये चीज समझ नहीं आई। इस वैसे टोटल 11 लेटर बनते हैं ना आपने, इसमें 12 है, एक करेक्टर नॉन प्रिंटेबल मतलब हिडन है, नहीं दिखता है, वो इनविजिबल है, इनविजिबल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टी और के बीच में हमने ऑल्ट एंटर मारा हुआ है, ऑल्ट एंटर जो हमने मारा हुआ है वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर की कैटेगरी में आता है, ठीक है? आपके पास अगर एक्सपी होता और एक्सपी पे ऐसा करते तो आपको टी और के बीच में एक बॉक्स के अंदर में क्वेश्चन मार दी, इसलिए मैं बोला हूँ कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, फाइंड नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्लीन का फॉर्मूला है, क्लीन फॉर्मूला नॉन प्रिंटेबल को रिमूव कर देता है। क्या होता है कि हम लोग जब डेटा किसी डेटाबेस से या किसी वेबसाइट से या किसी अदर सोर्स से जब डेटा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो ये सब चीजें भी उनके साथ आता है एक्सेल, तो वी लुकअप और बहुत सारे मैचिंग फॉर्मूले हम लोग लगाते हैं तो ये मैच नहीं करता है। हम देखते हैं नेम तो सब सेम सेम आ रहा है, फिर मैच भी नहीं कर रहा है, वी लुकअप नहीं क्यों दे रहा है। तो उसका प्रॉब्लम इसी तरह का होता है कि कुछ ऐसे करेक्टर जो दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली होते हैं। तो जहां भी आप क्रीम लगाते हो आप क्रीम जरूर लगा ले, जहां भी आप क्रीम लगाओगे वहां क्लीन जरूर लगाएंगे, ठीक है? तो जहां ट्रिम लगता है वहां क्लीन भी साथ में लगाएं। हाँ लगाइएगा तो आपके नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को क्लियर कर देगा। अब बात तो दोनों को एक साथ लगाएंगे तो इफ ना। हाँ हाँ दोनों को एक साथ भी लगा सकते हो, पहले क्लीन फिर ट्रिम, क्लीन है क्रीम या क्लीन दोनों कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे इसमें हमने जब किया सुजीत और कुमार के बीच का जो सेपरेटर है वो हट गया, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर स्पेस आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर जो ऑल्ट एंटर में रैप टेक्स्ट का करेक्टर है उस करेक्टर को रिप्लेस करना स्पेस। तो पहले हमें जानना होगा कि किसी सेल वैल्यू के अंदर में किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास F1 में नंबर है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो डॉट है उसको डैश से कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को किसी उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डाल दीजिए और उस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिमूव करना है उड़ा। हमने बोला कि F1 में जाइए, ओल्ड टेक्स्ट हमारा डॉट है और उसको न्यू टेक्स्ट डैश से रिप्लेस कर दीजिए, तो इसके अंदर जितने भी डॉट होंगे वो डैश बन जाए। ठीक है सर आशीष जी? बिल्कुल जी, ठीक है सर। हाँ जी, तो जिस शुरुआती दौर में जब इफ पढ़ा था, आपको बताया था कि जब भी हम सिंटैक्स यूज करते हैं तो ये जो बड़ी ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, आई थिंक हम लोग तो बचपन से इसको बड़ी ब्रैकेट कहते आ रहे हैं, में एक नंबर दिया हुआ, सॉरी इसमें एक ये दिया हुआ है इंस्टेंस नंबर। तो सबसे पहली बात जानिए कि बड़ी ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको नहीं डालोगे तो जितना भी लेटर है सबको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे आप पोजीशन डाल सकते हो कि पहले ही डॉट को रिप्लेस करे, तो इसने पहले ही डॉट को रिप्लेस किया, बाकी को रिप्लेस नहीं किया, या दूसरे को करे या तीसरे को करे, तो यहाँ पे आप नंबर जो डालेंगे उसी को करेगा, अगर नहीं डालेंगे तो सबको करेगा। तो आपका ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होता है रिप्लेस करने। एक हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के बारे में क्या सीखा आपने, कि किसी भी करेक्टर को ढूंढता है और उसमें सारी करेक्टर को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि आपने डॉट को ढूंढा तो डॉट जहां जा रही है सबको रिप्लेस कर, लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे सारे डॉट अच्छा सुन, नहीं करना, मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन का डॉट रिप्लेस कर, तो उसके लिए हम रिप्लेस नाम का फॉर्मूला आएंगे। कि रिप्लेस क्या करेंगे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि आपका रिप्लेसमेंट पार्ट कहाँ पर होगा। तो हमने बोला तीन चार चौथे नंबर से होगा। अब बोलता है चौथे नंबर से कितने करेक्टर को करना है, हम बोले एक ही करेक्टर को करना है और किस टेक्स से करना है, तो डैश से। तो रिप्लेस पोजीशन से करता है और सब्स्टिट्यूट करेक्टर से। ये फोर के बाद में वन क्या लिया सर जी आपने, आन से देखा कीजिए, इसी पे दोबारा जाओ एक बार, आपने लिखा ना फोर एंड वन। सुनिए एक बार पूरी तरह से सुनिए, ध्यान से सुनिए सर, जैसे आप पूजा की आरती सुनते हैं। F2 के अंदर में जाइए, हमने इसने बोला कि F2 के अंदर में वो तो बोलता है स्टार्ट नंबर, मतलब कि आपकी रिप्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि पोजीशन के साथ में करता है सो कैरेक्टर का मतलब नहीं है। तो हमने बोला कि हमें चौथे नंबर चाहिए, 1 2 3 और डॉट, चौथे नंबर से रिप्लेसमेंट करना है। फिर बोलता है कि चौथे नंबर से कितने लेटर में करना है, तो मैंने बोला सिर्फ डॉट को ही करना है, मतलब एक लेटर करना है। अगर मुझे डॉट और 9 दोनों करना होता तो यहाँ पे 2 डाल देता, तो डॉट और 9 दोनों को डैश बना। ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ आया जी जी हाँ, बादाम खाए की। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये वो समझ में आ गया। अच्छा एक एक मिनट, एक मिनट सुजीत जी, ये जो है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों, मतलब किसी भी, इसके लिए मैटर नहीं करता कि ये नंबर दिया हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुजीत पे चेंज करूं इट विल एप्लीकेबल, राइट? आपने पूरी तरह से बात नहीं सुना, मैंने बोला कि किसी भी डिजिट या किसी भी करेक्टर, डिजिट मैंने डिनोट किया, मैं वही कह रहा हूँ, और करेक्टर मैंने डिनोट किया लेटर्स को, तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस किसी भी करेक्टर और नंबर को रिप्लेस करता है। क्लियर? ठीक है। चलिए अब बात होती है कि हम यहाँ पे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को कैसे रिप्लेस करें, क्योंकि मैं अगर सब्स्टिट्यूट को कैरेक्टर के हिसाब से करना है तो सब्स्टिट्यूट ही इस्तेमाल किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट के अंदर में अगर मैं यहाँ पे कैसे टाइप करूँ, कि मैं यहाँ पे ऑल्ड एंटर डालू, ऑल्ड एंटर, तो गलत हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो उस केस में हमारा एक कैर एंड कोड वाला मेथड, मैं किसी एक सेल के ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं कोड का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो कोड बताएगा कि जो ये ऑल्ट एंटर का जो कोड है वो कोड क्या है,
तो कोड 10 है, मतलब अगर मैं कैर फॉर्मूला के अंदर में 10 को एंटर करूं तो मुझे सेम लेटर मिलेंगे जो कि मैंने ऑल्ट एंटर करने से पाया था। इसका मतलब यह है कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा का, तो उसमें मैं बोलूंगा कि स्टैक्स में जाओ और कैर 10 को रिप्लेस कर दो डैश से, तो मेरा रिप्लेस हो गया। अब बताइए क्या डाउट है आप लोग? नहीं कुछ नहीं, नहीं सर नहीं है ना। तो अभी बताइए कि ये सारा कहानी अगस्त से पहले मैंने जब आपको बताया कैर एंड कोड का फॉर्मूला, तो हमें रियलाइज किया कि ये फॉर्मूला तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्या? जब आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखा और उसका सॉल्यूशन रखा, फिर सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम रखा, तो हमें इसका यूज आ गया। अब इसका यूज, अब जरूरी नहीं कि इसी पे करो, अब इसका यूज कहां बताते हैं, आप कहीं से डेटा इंपोर्ट करोगे और कुछ इस तरह का लेटर आपको दिखेगा जिसके लिए एक्सेल में कोड ही नहीं है, एक्सेल करेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे कि ए। अब ये लेटर आपके पास तो है ही नहीं ना, क्या बोल रहे हैं? कैसे आप उसको रिप्लेस करोगे या कुछ करोगे? तो आप यहाँ पे कोड कहाँ से ला रहे हो? कोड देख सकते हो, किसी कोड 244 है। सर ये करेक्टर कहाँ से ला रहे हो? जैसे इसके ऊपर है, ये किसी बाहर का लैंग्वेज है? नहीं बाहर का लैंग्वेज नहीं है, आई थिंक अभी बोला रहा सर, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको मैं कस्टम फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें एक आर्टिकल था यार, उस आर्टिकल में मेंशन था कि ऑल्ट की के साथ नंबर पैड पे अगर कोई नंबर लिखते हो तो उस तरह का कैरेक्टर आता है। जैसे मैंने लिखा ऑल्ट की के साथ 1 2 3 4 ये आ गया, समझे? ओके ओके। कैसे क्या सर जी, आप समझ नहीं आया, ये दिखाओ एक बार, ई लिख के क्या प्रेस किया आपने? 1 Alt की प्रेस करके नंबर पैड पे आप कुछ नंबर टाइप करोगे या छोड़ोगे ना तो जाएगा। जैसे मैं Alt की को प्रेस किया और 852 लिख के Alt को छोड़ा, मैंने Alt प्रेस किया 852 को लिख के छोड़ा, तो मुझे A लिटरेसी हुआ। फिर मैं Alt की के साथ 789 दिया तो मुझे A लिटरेसी। ओके नंबर पैड। तो सर जब आप ये इनको टाइप कर पा रहे हो तो इसका कोड आया तो सही 244, जैसे आपने ये किसका किया 244, तो ऐसे और कौन से करेक्टर हो सकते हैं जो कि हमें एक्सेल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा? मतलब तो अलग अलग होते हैं, दिखा सकते हो आप? सर बहुत सारे ऐसे करेक्टर है जो एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर, आइडेंटिफाई की बात नहीं कर रहा मैं, आइडेंटिफाई कर रहा है तभी तो देख रहा है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके ए लेटर है और आपके हर नाम के साथ ये लगा हुआ है, यहाँ देखिए हर नाम के साथ लगा हुआ है। अब कहीं भी आपका सुजीत लिखा हुआ है, अब मुझे इन दोनों के बीच में लुकअप लगाना है या कंडीशन लगाना है, तो ये दोनों मैच तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। तो मुझे मुझे खाया तो ए लेटर इसमें लगाना होगा या फिर इससे हटाना होगा। तो हटाने के लिए अब एक लेटर रहेगा तब इसको हटा देंगे, लेकिन कई सारे लेटर है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? तो दो तरीका है कि आप कॉपी कर ले और सब्स्टिट्यूट डाल के इसको सेलेक्ट करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा में वो लेटर लिखे और इसको रिप्लेस कर दे नथिंग से क्या। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉपी नहीं हुआ ये दिखता भी नहीं है, जैसे कि ऑल टाइप हुआ दिखा भी नहीं, तो उस केस में आप जो है इसे कोड का इस्तेमाल, ये जो कोड है इसका इस्तेमाल जैसे मैंने यहाँ किया ऐसा कर सकते हैं। समझ गए?
आगे चल को आप दिमाग लगाओगे तो अपने आप चला आएगा, चिंता मत। तो एक टैक्स फॉर्मूले के जो पार्ट थे, पहला पार्ट है हमारा कि आप लोग रिसर्च करें, दूसरा पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे जिसमें हम बताएंगे लेफ्ट राइट मिड फाइन सर्च, ये सब जो फॉर्मूले हैं उसका क्या हमारा कंसेप्ट।